वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरे ओडीआई मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की जानिब से ब्रैंडन किंग ने 72 रन बनाए, कार्ली मायर्स 14, शिमान ब्रुक्स 18, शाई होप 16, निकलस पुरान 39, डेवन पवल 2, जैसन होल्डर 36, अकील हुसैन 14, ऑडियन स्मिथ 17 और अलजा जोस ने 1 रन बनाया। यू वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर्स में 260 रन बनाए 10 खिलाड़ियों के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका की जानिब से लुंगी नगेटी ने 1 विकेट हासिल की, जॉनसन ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि फॉर्चून ने भी 2 विकेटें हासिल की। एडिन माक्रम ने 1 विकेट हासिल की, जबकि पार्डनल ने भी 1 विकेट हासिल की। साउथ अफ्रीकन टीम ने 261 रन का हदफ 29.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका की जानिब से रयान रिक्टसन ने 3 रन बनाए, टोनी डिजोरी 21, रूसे वर्नर 14, एडिन माक्रम 25, हेनरिक क्लासिन ने नॉट आउट 119 रन बनाए, डेविड मिलर 17, मार्को जेंसन 43 और पार्डनर ने 4 रन बनाए। वेस्टइंडीज की जानिब से अलाजा जोस ने 3 विकेटें हासिल की, अकील हुसैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि कार्ली मायर्स ने 1 विकेट हासिल की। हेनरिक क्लासिन को शानदार 119 रन पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। यूएस सीरीज जो है 3 ODI मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।